हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशनल एंटरटेनिंग। तो फ्रेंड्स, हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक नया टॉपिक, एक नया इक्विपमेंट जिसको आपने हमारे कन्फाइंड स्पेस के वीडियो में देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई लिंक पर आप उसकी ऑप्शन देगी आपको, आप उसको जाके वॉच कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअल यूज़ है उस इक्विपमेंट का। अगर हम नाम से स्टार्ट करें तो इक्विपमेंट का नाम हमारा ट्रायपॉड, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा ट्रायपॉड विथ रेस्क्यू विंच के साथ पूरा कनेक्टिंग एक इक्विपमेंट है जिसकी अगर इस्तेमाल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका इस्तेमाल हम अपने कन्फाइंड स्पेस में करते हैं। कन्फाइंड स्पेस मीन्स ऐसे एरिया जो काफ़ी छोटे हैं, हमारा मैन हॉल, हमारा टैंक या किसी भी कंडक्टेड एरिया, उसमें किसी वर्कर को अंदर जाने के लिए एक इजी एक्सेस के लिए हम इस ट्रायपॉड का इस्तेमाल करते हैं। किसी राइजिंग के लिए, किसी लोअरिंग के लिए, उसके बॉडी को जब हमको मूवमेंट करना है ऊपर या नीचे जब लेना होता है तब हमको सपोर्ट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रायपॉड को। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस ट्रायपॉड की, तो देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायपॉड है ये करम की प्रोडक्ट है, एक करम का मैन्युफैक्चर हमारा ये इक्विपमेंट है। एंड इसके अगर डिटेल की बात करें तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसके रेफरेंस नंबर की बात करें तो ये रेफरेंस नंबर PN3800 है इसका मॉडल नंबर। और इसी PN800 मॉडल वाले इस पूरे ट्रायपॉड को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम अपर पार्ट से। जैसे कि इस ट्रायपॉड पे आपको ये रेड कलर पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा ट्रायपॉड का एक कंप्लीट हेड है जिसका काम है कि सारे लेग को क्या करना है, कलेक्ट करना। ये हमारा अपर पार्ट हेड है जो एक एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ कंप्लीट, एक कास्ट आयरन का बना हुआ एक स्ट्रेंथ के साथ मेटल है। इसी मेटल के थ्रू सारी चीज़ें जॉइंट है। आप इसमें हमारे दो पुली नज़र आएंगे आपको, एक पुली आपको देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आएगा, एक पुली आपको बैक में नज़र आएगी जो हमारे स्टील वायर रोप को, इस रेस्क्यू विंच के स्टील वायर रोप को क्या करती है कि एक स्मूदली रन करने में मदद करती है। तो हमारा एक पुली के साथ पूरा कनेक्टेड है ये हमारा हेड। इसके बाद ये सामने आपको एल्युमिनियम का एक हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम मेडेड एक एडजस्टेबल लेग नज़र आएगा। तो ये लेग है जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं, डिसेंड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये लेग है हमारा जो एकदम कंप्लीट एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ का बना हुआ है। इस लेग के नीचे आप देखें तो एंटी स्लिप फुट है जो इसको स्लिप होने से बचाता है। जब किसी सरफेस पे, चाहे वह अनइवन सरफेस हो या अनबैलेंस सरफेस हो, तो हो सकता है कि स्लिप खा जाए, उससे बचने के लिए यहाँ पे एक एंटी स्लिप रेजिस्टेंस शू है जो आपको इसको स्टेबिलिटी देता है, स्लिप होने से बचाता है। तो ये शू के साथ ही हमारा कंप्लीट ट्रायपॉड है। एंड इसी ट्रायपॉड में हमारा एक न्यू डिवाइस ऐड है, ये हमारा रेस्क्यू विंच है। इस रेस्क्यू विंच का रेफरेंस नंबर है PN801। अब इसी रेस्क्यू विंच का मेन वर्क है फ्रेंड्स, ट्रायपॉड तो हमारा सिर्फ स्टेबिलिटी देता है, एक सपोर्ट देता है, लेकिन एक पर्सन को उसकी बॉडी को लोअरिंग या रेजिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेस्क्यू विंच का। इस रेस्क्यू विंच में आपको मिलेगा हमारा एक SS का स्टील वायर रोप, स्टेनलेस स्टील वायर रोप जो जिसका डाया 4.5 mm का है। और इसी लाइफ लाइन के थ्रू हम किसी बॉडी को या किसी इक्विपमेंट को सपोर्ट देते हैं और उसको लोअरिंग या रेजिंग करके उसको हम वर्किंग में लेते हैं। तो ये हमारा स्टील वायर रोप, अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो 25 मीटर तक की इसकी लेंथ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी लेंथ रहती है। तो 25 मीटर तक के हम लंबाई को इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट ये ट्रायपॉड जिसका यूज़ हम अपने कन्फाइंड स्पेस में करते हैं। इसमें एक और फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट नज़र आएगी, ये ब्लैक कलर का आपको दिख सकता है, ये हमारा एक फॉल अरेस्टर है। आप जैसे कि आपने देखा था कि फॉल अरेस्टर का यूज़ हम करते हैं किसी ऊंचाई पे, जब कभी बॉडी हमारा गिरने लगे, जब हमारे बॉडी किसी झटके को दे तो झटके की वजह से हमारा ये फॉल अरेस्टर उसी जगह पे उसको अरेस्ट कर देता है, लॉक कर देता है और हम गिरने से बच जाते हैं। तो ये भी एक इसमें फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस है कि इस ट्रायपॉड के साथ इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सके, गिरने से बचने के लिए एडिशनल प्रिकॉशन हम अप्लाई कर सके इस फॉल प्रोटेक्शन के साथ। तो कैसा वर्क है अभी आप देखेंगे इसका, तो देख सकते हैं कि अगर स्लोली मूवमेंट पे हम इसको जब जाते हैं तो ये वर्क करता है, लेकिन जब अचानक से एक झटका ये ले तो ये अरेस्ट कर देता है उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, और पर्सन के ऊपर एडिशनल झटका नहीं पड़ता है, एडिशनल शॉक नहीं पड़ता जिसकी वजह से उसकी इंजुरी कम होती है। तो इस तरीके से एक फॉल अरेस्टर का यूज़ है जिसका पूरा नाम हम बात करें तो ये रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर है जिसका यूज़ करते हैं किसी हॉरिजेंटल लाइफ लाइन पे। तो इस तरीके से इसका यूज़ है। एंड ये हमारा आज का कंप्लीट एक ट्रायपॉड का इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, जिसका यूज़ हम कन्फाइन स्पेस की किसी भी प्लेसेस में करते हैं सपोर्ट के लिए। तो आज का ये हमारा वीडियो शॉर्ट था, आप आई एम श्योर कि आप सभी की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। एंड इसकी वर्किंग को आपको जानना होगा तो आप हमारे
कन्फाइन स्पेस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, इसकी कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल को आप समझ जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो था एंड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिली होंगी इस वीडियो से। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड तक ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच जाए। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप सभी ने हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।